हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कल 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मैं आपको अपने गार्डन की कुछ झलकियाँ दिखाना चाहूँगी और साथ ही बताऊँगी कि इस एनवायरनमेंट डे के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। भाई, इसका हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कि एनवायरनमेंट डे मनाया जाए, जबकि एनवायरनमेंट तो शुरू से ही है। तो फ्रेंड्स, हमारे वेदों में, पुराणों में, रामायण में हर जगह है कि भाई हमें नेचर की पूजा करनी चाहिए, बादलों की पूजा करनी चाहिए, पानी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पीपल, तुलसी को दीपदान करते हैं। तो ये सब जो कारण होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि भाई हमें इनका महत्व पता चले, इन चीज़ों का हमें महत्व पता चले। और यहाँ तक कि पत्थर को भी हम भगवान शिव का रूप मानते हैं, गाय और धरती को माता कहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम पूजते हैं उस चीज़ का हम कभी भी अनादर नहीं करते। मेन रीज़न इसका ये था हमारे साहित्य में रखने का कि जो भी चीज़ को हम रेस्पेक्ट देते हैं उसका हम कभी भी ह्रास नहीं करते। पर क्या है, आजकल नए हम ज़्यादा ही पढ़ लिख लिए, नए नए लोग हैं, हमारी नई जनरेशन आ रही है आगे और कुछ नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं जो हमारी इस सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं और हमें पाखंडी कहते हैं। पर वह ये नहीं जानते कि इन सब चीज़ों का भी एक साइंटिफिक रीज़न था। हमारे जो मनीषी थे उन्होंने हमें इसीलिए समझाया कि इन चीज़ों की तुम पूजा, क्योंकि धरती रहेगी, हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा, इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा, तो ही तो मनुष्य जाति रहेगी इस धरती पर। और जो हमारे इकोसिस्टम के घटक हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, हमें उन सब से प्यार करना सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि भाई अगर हम अपने पेड़ पौधों से प्यार करें, पत्थरों से, यहाँ तक कि पत्थरों का मतलब है कि माउंटेन से प्यार करें, पानी बचाएं, तो हम एक लिमिट तक अपने पर्यावरण को अपने आसपास ठीक रख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, 24 घंटे में अगर हम आधा घंटा भी इस बात के लिए सोचे या इस बात के लिए लगाए कि भाई हम नेचर को क्या दे रहे हैं बदले में, या अपने समाज को हम क्या दे रहे हैं बदले में, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। पानी को बचाना है, उसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि बड़े बड़े कंपेन करने हैं कि भाई पानी बचाओ। ये तो हमारी खुद की नेचर होनी चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे वातावरण को ऑक्सीजन मिले, अपने पशु से, पक्षियों से, जीवों से प्यार करना सीखे, उन्हें बिना बात के टीज ना करें, जहाँ तक हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं दिखाऊँगी आपको कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग में जो मेरे अपनी अचीवमेंट है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने अपने लगाया हुआ है, और साथ ही जो मेरे छोटे से गार्डन में प्लांट्स हैं उनकी कुछ फ़ोटो दिखाना चाहूँगी मैं आपको। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।